वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी कर रहे थे, जिसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सीख चुके थे। और लास्ट बच गया था टेंसर, जो कि अभी तक लिखा हुआ है टेंसर। तो चलिए हम लोग टेंसर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लेक्चर थ्री है, ये लेक्चर थ्री का ही ये पार्ट है, तो आप लेक्चर थ्री का सेकंड पार्ट लिख लीजिए। लेक्चर थ्री का सेकंड पार्ट होगा कि लेक्चर थ्री में ही इसको फिनिश करना था हमको। आइए टेंसर क्या है इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल देंगे टेंसर का, क्या होगा वो? इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको एक एग्जांपल के तहत। देखिए तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। साइंस करियर में एक टीचर आए थे पढ़ाने के लिए, फिजिक्स ही संयोग से, और क्लास में आए और कहते हैं क्या स्टूडेंट्स को, देखो बाबू ये वायर है और इस वायर से हो करके करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से हो करके करंट फ्लो हो रहा है, इतना कह करके वो चले गए, अपने ऑफिस चले गए। हम पूछे क्या पढ़ाई हो गई क्या? कहाँ सर पढ़ा दिए, आए हम। क्या जी सर पढ़ाए क्या? तो जी सर पढ़ाए। क्या पढ़ाए जी, ये क्या है? बच्चों ने जवाब दिया सर वायर है। अरे वायर से क्या हो रहा है? तो बच्चों ने कहा सर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, हम क्वेश्चन किए कि अरे ये वायर है, इस होकर के करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? कहा सर ये तो बताए ही नहीं, कि पूछना चाहिए ना, यदि वायर है, वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा? क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जानते होंगे आप, एम्पियर में करंट को मापते हैं, मेजर करते हैं। तो फिर कितना एम्पियर का करंट इससे फ्लो हो रहा है? क्या सर ये बताए ही नहीं। तो फिर ऑफिस हम गए और कहे कि जो भी बताए हैं कम ही बताइए, लेकिन उसको पूरा कर लीजिए। तो फिर से टीचर आए और पूछे कि अरे क्या पूछा गया सर के द्वारा? तो कहा कि सर पूछे कि ये क्या है, तो हम लोगों ने जवाब दिए वायर है। अगला क्वेश्चन सर के द्वारा किया गया कि वायर से क्या हो रहा है, तो हम लोग जवाब दिए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन सर अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कर दिए, मेरे बारे में कहा गया कि थर्ड क्वेश्चन किया गया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तब कहा ओ ये तो हम बताए ही नहीं थे। तो चलो मान लो कि 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब समझ में आ गया? बच्चों ने जवाब दिया हाँ जी सर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, ठीक, इतना कह करके चले गए। हम फिर आ गए कि तुरंत कैसे बता दिए, 2 मिनट में कैसे कंप्लीट कर दिए, हमको डाउट हुआ तो फिर आ गए, कहते अरे क्या बताया गया जी सर, कितना करंट फ्लो हो रहा है जी? 5 एम्पियर का सर। हम क्वेश्चन कर दिए किस डायरेक्शन में,
अक्सर ये तो बताया ही नहीं। तो फिर टीचर को बोले, फिर टीचर आए, टीचर आकर कहते हैं कि अरे क्या क्वेश्चन किया गया? कहता सर, सर पूछे, भारती सर पूछे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। कहा कह रहे ये तो बताने भूल गए, ये देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो क्या देखे आप कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड हो गया। किसका मैग्नीट्यूड हो गया? किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। और ये जो राइटवार्ड करंट फ्लो हो रहा है या ईस्टवार्ड कह सकते हैं, ईस्ट की ओर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का नाम आप लिख सकते हैं ईस्टवार्ड या राइटवार्ड, राइट की ओर जा चल रहा है, राइटवार्ड। इसी को ईस्ट की ओर माने तो ईस्टवार्ड कह सकते हैं, ईस्ट की ओर। चलो, इसका मतलब है कि करंट को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? क्या नहीं सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने पर वेक्टर क्वांटिटी होता था, लेकिन कब? साइंस करियर में पढ़ने से पहले। इस चैनल में ज्वाइन करने से पहले जानते थे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ आकर देखे आप, साइंस कैरियर में ज्वाइन करके देखे आप कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन है, 3 शर्त को फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड क्या है? डायरेक्शन होना चाहिए। और थर्ड क्या है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करना चाहिए। तो बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो है इसके पास, लेकिन अब देखना है थर्ड कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो करता है कि नहीं। यदि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक करंट तो होगा वेक्टर क्वांटिटी, नहीं करेगा तब क्या होगा? कहेगा सर स्केलर तो होगा नहीं, क्योंकि स्केलर के पास तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर भी नहीं होगा क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करेगा, तो वेक्टर भी नहीं होगा तब क्या होगा? कहेगा सर यही तो लिखा हुआ है, टेंसर होगा। और देखो टेंसर होगा तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करता है ही नहीं करता है? एक बार देखो, देखो बाबू हम क्या बताए थे, वो राम और श्याम वाला एग्जाम्पल दिए थे क्या, जो ठेला चलाता था, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता था, और राम तो श्याम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता था। कब जी? शादी से पहले। अरे शादी होते ही हो गया बर्बादी। क्या हो गया जी? देखो तो क्या हो गया जी? अरे दोनों भाई में झगड़ा हो गया, दोनों भाई में झगड़ा हो गया। तो एक भाई पूरब की ओर ले जाना चाहता था, तो दूसरा भाई पश्चिम की ओर ठेला को ले जाना चाहता था। दोनों जुड़वा भाई था तो दोनों सेम फोर्स लगाता था, हट्ठा खट्ठा था, दोनों एक रंग का देखने में था। तो बताओ जी, नेट फोर्स इसमें हम लोग क्या देखे थे? नेट फोर्स 0 होता था ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। चलो अब यहाँ तो देखे थे कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ के बारे में बात करते हैं करंट के बारे में।
अब बताओ कि ये हम एक वायर लेते लाते हैं कहाँ से, ये ईस्ट की ओर से एक वायर लाते हैं, ये सॉरी ईस्ट तो इधर है, ईस्ट की ओर से एक वायर लाते हैं, ईस्ट की ओर से एक वायर लाते हैं। आप जानते होंगे बोर्ड पर इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो बताओ हम ईस्ट से लाए क्या चीज़, एक वायर जिससे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और वेस्ट से भी एक वायर ले गए जिससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। या ऐसे कह सकते हैं लेफ्ट से राइट की ओर एक वायर ले गए, और यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर एक वायर ले गए, और दोनों से करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का। अब बताओ कि 5 एम्पियर हो गया ये, यहाँ एक वायर जोड़ दिए बाबू, और इससे होकर कितना करंट फ्लो होगा बताओ, कितना होना चाहिए। कहिएगा सर होना चाहिए तो 0, ये कैसे जी, अरे कैसे, करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, फोर्स में देखो, फोर्स में कैसे ये 0 किया था तुम, तो इधर राइट की ओर जो फोर्स लग रहा था, उसको पॉजिटिव माना था, और लेफ्ट की ओर जो फोर्स लग रहा था उसको क्या माना था, निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण से, जिसके कारण क्या हो गया, ये 0 न्यूटन हो गया था। ठीक उसी तरह डायरेक्शन को देखकर इसको जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, ये 5 एम्पियर, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो -5 एम्पियर, और ये टोटल कितना होगा, तो देखो इतना -5 एम्पियर, तो बताओ क्या हो गया, 0 एम्पियर करंट होना चाहिए। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में होता है क्या, ए इधर से एक वायर आया, एक वायर बीच में जोड़ करके लटका दिए, और उस वायर को हम गले में लपेटना चाहेंगे किसी के गले में, तुम्ही लोगों में से, बता लपेटने दोगे, ए गले में लपेटने दोगे, तो कोई कहोगे हाँ सर 0 होता है तो क्यों लपेटने देंगे, लेकिन नहीं, इस कैलकुलेशन के अनुसार थोड़ा होता है, इस कैलकुलेशन के अनुसार नहीं होगा, कोई भी कहेगा नहीं सर हम नहीं लपेटने देंगे, क्यों, उसमें तो करंट होगा सर, उसमें करंट कितना होगा, 10 एम्पियर होगा, ये तो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, होता कितना है, टोटल करंट कितना होगा, टोटल आई की बात करें ये 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, ये क्या होगा, 10 एम्पियर होगा बाबू। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, किंतु वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करने का मतलब कि उसको जोड़ने क्रम में जब जोड़ते हैं तो दिशा को देख करके नहीं जोड़ते हैं, सीधा 5 एम्पियर और 5 एम्पियर कितना हुआ, 10 एम्पियर, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ऐड करना है 5 एम्पियर दोनों को ऐड करेंगे तो 10 एम्पियर हो जाएगा, जबकि फोर्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन क्या देखे थे, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, आगे चलकर पढ़ेंगे। तो चलो यहाँ 5 एम्पियर और 5 एम्पियर, तुम 10 एम्पियर ही तुमको कहना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का ये पालन
नहीं करता है, इसीलिए क्या होगा, टेंसर होगा। अब डिफिनीशन आप दे सकते हैं टेंसर का कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट विच डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड टेंसर। चलो लिखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, क्या क्या आता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट विच डज नॉट ओबे बट विच डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड टेंसर, क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, और भी ले सकते हैं, एंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, चलो टॉर्क लेंगे, टॉर्क, स्ट्रेस ईटीसी। अब हमको पता है बाबू तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट का तो कुछ कुछ समझता था, एंगल भी समझता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हो क्या? एक सर नहीं, पहली बार नाम सुने, तो बताओ जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो तो वो स्केलर है, एक वेक्टर है, एक टेंसर है, इसको समझाएंगे कैसे, तुमको कहाँ समझाएंगे, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे तब। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब पढ़ाएंगे, तो यूनिट तुम देखा होगा फोर्थ ये फिफ्थ में, कि मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसमें जब पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर है। उसी तरह रोटेशन अबाउट एन एक्सिस या टॉर्क ये सब बताएंगे आगे, टॉर्क वगैरह जब पढ़ाएंगे, स्ट्रेस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वो टेंसर है तो कैसे है। लेकिन एंगल तो तुम समझता है, एंगल क्या होता है ये समझता है, एंगल को हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेंसर है तो कैसे। चलो देखते हैं एंगल टेंसर है तो कैसे। और देखो एंगल को एक्सप्लेन करेंगे, एंगल का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वेक्टर ये टेंसर है तो कैसे। आप ले सकते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल, एक्सप्लेनेशन ऑफ
एंगल, एंगल का एक्सप्लेनेशन। और देखो तो हमको बताओ ये क्या है, लाइन सेगमेंट ओ ये, और इस लाइन सेगमेंट के ओ पॉइंट पर तुमको कहेंगे एंगल बनाने के लिए। क्या तुम में से कोई एंगल बना सकते हो क्या? कहेगा हाँ सर बना सकते हैं। आओगे कोई यहाँ एंगल बना दोगे, ये ओ पॉइंट पर एंगल की बात करते हैं, ओ पॉइंट पर एंगल बनाने के लिए, तो फिर तो वो पॉइंट पर एंगल बनाएंगे आप, कोई ऐसे खींच देंगे, कोई ऐसे खींच देंगे, कोई ऐसे खींच देंगे, बताओ जी। हम जो एंगल बनाने के लिए कहेंगे वो तुम बनाओगे, खाली पूछे हम सिर्फ पूछे एंगल बना सकते हो क्या, तुम कहा हाँ बना सकते हैं, तो बनाना क्यों शुरू कर दिया? तुमको क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि सर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे सर, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलो हम कहेंगे 30 डिग्री का क्वेश्चन, 30 डिग्री का एंगल बना, इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री मैग्नीट्यूड होता है किसका, एंगल का, एंगल का 30 डिग्री क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो बताओ 30 डिग्री का एंगल बनाने कहेंगे तो तुम बना लोगे क्या? क्या हाँ बना लेंगे आप, अब क्या दिक्कत है? तो कोई बनाएगा ऐसे, इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना लोगे। कोई कहोगे सर हम ऐसे बनाएंगे, कोई आओगे कहोगे हम ऐसे बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल इस तरह से, तो बताओ जी मेरा क्या मकसद था, किधर एंगल बनवाना था, ये तो तुमको पता नहीं चला। ऊपर भी एंगल 30 डिग्री बन सकता है, नीचे भी 30 डिग्री का एंगल बन सकता है, तो अगला क्वेश्चन तुमको क्या करना चाहिए जो कि ऊपर वाला एंगल बना देता तुम, अगला क्वेश्चन क्या करना चाहिए, डायरेक्शन का, कि सर 30 डिग्री का एंगल तो बनाना है सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में बनाना है सर, कि सर एंगल पर डायरेक्शन भी होता है? हाँ जी देखो ना कैसे होता है, जानता होगा तुम लोग, घड़ी जिस रूम में, जिस रूम से तुम क्लास कर रहे हो देखो तो दीवाल घड़ी होगा टंगा हुआ, और दीवाल घड़ी यदि टंगा हुआ है बाबू तो देखो तो उसमें घड़ी की सुई कैसे घूम रही है, नीडल कैसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही होगी, बताओ जी ऐसे ऐसे घूम रही होगी। तो बताओ घड़ी की दिशा को क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं बाबू। और घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और जानते हो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे जी, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको क्या कहेंगे, निगेटिव डायरेक्शन कहेंगे, निगेटिव डायरेक्शन, शॉर्ट में निगेटिव लिख दिए, ये निगेटिव डायरेक्शन कहेंगे और यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। तो चलो जानते हो एंगल को कैसे मापा जाता है, यहाँ यक्स है, यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है, तो तुम इस तरह से चलोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ एंगल बनेगा यहाँ 30 डिग्री पॉजिटिव कहेंगे, प्लस 30 डिग्री, ये प्लस 90 डिग्री, लेकिन ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो माइनस 30 माइनस 90 बोलना पड़ेगा, इसका मतलब
अब समझ में आ गया होगा कि एंगल को भी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताओ कि तुमको पहला क्वेश्चन तो तुम सही किया था कि सर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे सर, तो हम कहे थे 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए कि सर किस डायरेक्शन में बनाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि निगेटिव डायरेक्शन में। तो चलो यदि हम कहते पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाओ तो कैसा क्या बनाता, ये ब्लैक वाला इस तरह से बनाता पॉजिटिव डायरेक्शन में। और निगेटिव डायरेक्शन के बारे में कहते हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में बनाओ 30 डिग्री, तो निगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से बनाता। अब बताओ दोनों एंगल बनकर तैयार है, एक मानो ए ओ बी मान लेते हैं और यहाँ ए ओ सी मान लेते हैं, एंगल तैयार है ए ओ बी 30 डिग्री और ए ओ सी भी 30 डिग्री है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन है। अब बताओ हमको टोटल एंगल निकाल कर बता सकते हो क्या? कि हाँ बिल्कुल सर, टोटल एंगल क्यों नहीं बताएंगे, टोटल एंगल क्यों नहीं बताएंगे। चलो बताओ टोटल एंगल कितना होगा। तो टोटल एंगल की बात करते हैं, कुल एंगल की बात करते हैं, तो कुल एंगल कितना हो गया, बी ओ सी, बी ओ सी ये किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। बताओ बाबू एंगल ए ओ बी कितना है, तो कहिएगा सर ये तो प्लस 30 है, जिसको 30 लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ एंगल ए ओ सी कितना है, 30 डिग्री। डायरेक्शन को देखकर माप रहे हैं, ऊपर की ओर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है तो प्लस, निगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना हुआ है तो माइनस, तो माइनस 30 डिग्री। तो बताओ बाबू 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। बताओ 0 डिग्री एंगल नजर आता है ये जी। ए लड़का देखो देखो ये देखो तो क्या था, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, फिर नीचे में भी कितना है 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। बताओ बाबू इसको यदि हम हटा लें टोटल एंगल बताएं पूछेंगे तो टोटल एंगल क्या 0 डिग्री नज़र आता है कि नहीं सर, ये तो 60 डिग्री नज़र आएगा सर, 60 डिग्री एंगल होगा सर। अरे 60 डिग्री कैसे होगा, होना तो चाहिए 0। कहिएगा हाँ सर होना चाहिए 0, जब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करेंगे, जब डायरेक्शन को देख करके जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। इसका मतलब एंगल क्या करता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है, इसीलिए तो ये रॉन्ग है जी। सही क्या है, ये टोटल एंगल होगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, यही तो है सही, ये रॉन्ग है। तो स्पष्ट है ये एंगल को मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का ये पालन नहीं करता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का ओबे नहीं करता है, इसीलिए ये टेंसर है। तो चलो ये दोनों बातें तुम जानता था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ ना कुछ, एंगल के बारे में इसको तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टॉर्क, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, स्ट्रेस, जो भी और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो कि टेंसर है, इसको हम एक्सप्लेन उसी चैप्टर में करेंगे जिस चैप्टर में उसकी चर्चा होगी। तो चलिए ये आपका लेक्चर 3 का रेस्ट पार्ट बचा हुआ था, इसको फिनिश किए, अगले दिन मिलते हैं, आगे क्या पढ़ना है अगले टॉपिक्स में हम बताएंगे, अगले दिन बताएंगे कि कौन सा टॉपिक्स होगा, इसी में हालांकि ज़्यादा इंटरेस्टेड हो
तो बता देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ही हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी का अभी तक डिफिनीशन पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी सदिश का निरूपण कैसे करेंगे, यानी किसी भी वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सूचित कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और इस कोरोना के महामारी से अपने आप को भी बचाइए और अपनों को भी बचाइए। थैंक्स।